नमस्ते, फ्लेवर बास्केट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नवरात्रि के लिए एक और रेसिपी लेकर आए हैं, साबूदाने की टिक्की या साबूदाना बड़ा। तो आइए बनाते हैं साबूदाने की टिक्की। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। साबूदाने की टिक्की के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू, साबूदाना जिसे मैंने पहले ही भिगो के रखा था, कटी हुई हरी मिर्च, मूंगफली का पाउडर, सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर। सबसे पहले एक बाउल में हम साबूदाने लेंगे, उसमें उबले हुए आलू मैश करके ऐड करेंगे। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साबूदाने और आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। हम इसमें काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक, हरी मिर्च और मूंगफली का पाउडर ऐड करेंगे और इन सभी को अच्छे से मैश कर लेंगे। हमारा साबूदाने की टिक्की का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इनकी टिक्की बनाएंगे। अब हम इस मिक्सचर की टिक्कियां बनाएंगे। हम थोड़ा सा पार्ट अपने हाथों में लेंगे और उसे अपने हाथों में रोल करके एक गोल पैटी बना लेंगे। ऐसे ही हम और टिक्कियां भी बना के रख लेंगे। चाहे तो साबूदाने की टिक्की को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। हम यहाँ डीप फ्राई करेंगे। अब हम साबूदाने की टिक्कियों को फ्राई करेंगे। हम इन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब ये साबूदाने की टिक्की दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। हम इन्हें एक टिश्यू पेपर में निकालेंगे ताकि इनका एक्सेस ऑयल सोख हो जाए। अगर आप व्रत के लिए ऐसी ही इजी और क्विक रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए फ्लेवर बास्केट के यूट्यूब चैनल पर।